नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। आप अगर कोई चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हो जाइए सावधान। हम आज बात कर रहे हैं ऐसी ही एक चाइनीज़ कंपनी के बारे में जो अपने मोबाइल फ़ोन बनाने के बाद उसमें एक वायरस छोड़ती है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में और कैसे और कब किया इसने ये कारनामा, ये भी आपको बताएंगे। थोड़ी चीन के एक कोर्ट ने ऐसी ही एक कंपनी को उनके उपभोक्ताओं के मोबाइल पर वायरस डालने के मामले में दोषी पाया है और जितने भी अधिकारी दोषी पाए गए हैं उनको 3 साल तक जेल और 22 लाख रुपए जुर्माना देने का फैसला दिया है। इस कंपनी ने अपने करीबन 20 करोड़ लोगों के मोबाइल में ट्रोजन हॉर्स नाम का एक वायरस डाल दिया जो कि आपके मोबाइल पर बिना किसी परमिशन या बिना किसी पूछताछ के विज्ञापन दिखाता है। यह विज्ञापन किसी भी तरीके के होते हैं और कैसे भी आपको उनको देखने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा कर इस कंपनी ने करीबन 280 करोड़ रुपए कमाए थे, वो भी सिर्फ एक साल 2018 और 2019 के बीच में। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जियोनी। अगर आपका फ़ोन भी इसी कंपनी का है तो हो जाइए सावधान। और आप भी अगर बिना पूछे आने वाले विज्ञापनों से परेशान हैं तो अपने फ़ोन में शेंजन जीपू नाम वाले ऐप को निकाल दें या अपने कस्टमर केयर में फ़ोन करके इसको कैसे निकालना है ये पूछ ले और अपने आप को बचा लीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कहीं पे आपको लग रहा है कि हम कम पढ़ रहे हैं तो आपके सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।